हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. इट्स वुमेन्स टॉक और मैं हूँ शमा. ये मेरा सेकंड चैनल है. आई थिंक बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे. तो यस, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए चैनल पर, वुमेन्स टॉक. यस, और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ एक नया ही टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ वीडियो इस चैनल पर. क्या मतलब, लाइक मेरे दोनों ही चैनल पर फर्स्ट टाइम है कि मैं इस तरीके का कोई वीडियो कर रही हूँ. फेशियल, हाउ टू डू अ फेशियल एट होम. एंड दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर अ बिगिनर्स. होममेड फेशियल है, मैं आप लोगों के साथ वो चीज शेयर कर रही हूँ. बिगिनर्स के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ इस चीज को, क्योंकि आप इजिली इसको घर पर कर सकते हो. और विंटर फेशियल मैंने इसको इसीलिए बोला है क्योंकि हम लोगों को ना जो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है, किसी की जो स्किन होती है वो गर्मियों में भी बहुत ड्राई होती है. लाइक मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, कोई नॉर्मल स्किन होती है, यू नो, ऑयली हुआ, ड्राई हुआ, कॉम्बिनेशन स्किन. कॉम्बिनेशन स्किन मतलब ये जगह आपका हो गया ड्राई, ये एरिया ऑयली हो गया, इस तरीके से. बट सर्दियों में क्या होता है, स्पेशली बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी स्किन ड्राई हो जाती है. तो हमें स्किन पर, हमारे फेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि जो पैचेस बन जाते हैं हमारे फेस पर वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं. और यू नो, ड्राइनेस होती है, डलनेस होती है. सर्दियों में सबसे ज्यादा जो आपका फेस होता है वो डल हो जाता है. एंड ये फेशियल बिगनर्स के लिए इसीलिए सुटेबल है बिकॉज इसमें कोई टेक्निक्स नहीं है, कुछ मशीन्स हम यूज नहीं करेंगे. जस्ट नॉर्मल, जैसे हम एक क्रीम अप्लाई करते हैं उसी तरीके से हम इस फेशियल को करेंगे. तो और जो भी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने यहाँ यूज किए हुए हैं, दे ऑल आर इजिली अवेलेबल इन योर किचन. किचन का ही जो छोटे छोटे सामान होता है उससे हम करेंगे. और बिल्कुल केमिकल फ्री है ये. कई बार होता है फेशियल एट होम का मतलब ये भी है कि आप बाहर से किट लेकर के आ गए और घर पर आपने फेशियल कर लिया, है ना. वो भी चीज होता है, कॉलेज गर्ल्स वगैरह के साथ ज्यादा होता है कि कहाँ पार्लर जाएंगे, घर पर कर लेंगे. बट नहीं, ये फेशियल एट होम है विथ द इंग्रीडियंट्स विच यू कैन इजिली गेट फ्रॉम द किचन. तो शुरू करते हैं वीडियो. एंड मैं भी बहुत प्रोफेशनल नहीं हूं, बट मैं को लगा कि जो चीज मैं फॉलो करती हूँ घर पे, क्योंकि जहां मैं रहती हूँ, मैं यहाँ पार्लर नहीं जाती हूँ, नहीं मीन्स नहीं, बिल्कुल नहीं जाती हूँ. और मैं जो करती हूँ वो घर पर ही करती हूँ. एंड फेशियल का ऐसा ये है कि गर्मियों में आप ट्राई करें कि अगर महीने में एक बार ही कर रहे हैं तो सर्दियों में उसको दो बारी करें. जैसे कि अगर आपके फेस पर डलनेस है, झाइयां आ गई हैं, पैचेस हो गए हैं, पिगमेंट हो गया है आपका चेहरा, तो आपको उन सब चीजों से यू नो राहत मिले, वो चीज. और दूसरी बात मुझे जो आपको बतानी थी वो ये कि फेशियल का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारा केमिकल यूज कर रहे हैं या फेशियल कुछ ऐसी चीज होगी कि अगर आपने बहुत ज्यादा फेस पर किया तो आपका फेस खराब हो जाएगा. जैसे लोग बोला करते थे कि फेशियल ज्यादा करोगे तो आप उम्र से पहले बुढ़े हो जाओगे, वो चीज नहीं होती है. फेशियल इज अ थिंग कि जब आप अपने फेस को मसाज कर रहे हो, यू नो, उसको स्क्रब कर रहे हो, एक्सफोलिएट कर रहे हो, उसको आप सीरम यूज कर रहे हो. बाजार का मत करो, घर पर बना करके करो, घर की चीजों से करो. लाइक गुलाब जल हो गया, एलोवेरा हो गया, आजकल बहुत इजीली ये सब चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, घर कहीं भी मिल जाती हैं. एलोवेरा का पेड़ लगा सकते हो, गुलाब घरों में होता है, इस तरीके की नेचुरल चीजें आप यूज कर सकते हो. अदरवाइज ऑर्गेनिक आप ले सकते हो, वो उससे ज्यादा हार्म नहीं होता है. तो जब आप फेस पर जब आप मसाज करते हो तो जो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है, आपकी स्किन जो है वो ब्रीथ करना स्टार्ट करती है, रेडिएंट होती है, ग्लो करना स्टार्ट करती है. तो होता है कि मेकअप नहीं करना पड़ेगा आपको, आपकी स्किन अपने आप से इतना ग्लो करेगी कि लगेगा कि आपने मेकअप किया है. तो यस, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, हम फेशियल की साइड बढ़ते हैं. बट उससे पहले मैं कुछ चीजें यहीं पर मेंशन कर दूंगी, जैसे कि जब मैं फेशियल प्रोसेस जब आपके साथ शेयर करूंगी तो मैं वहां मेंशन नहीं करूंगी किस चीज का क्या यूज है. तो मैंने यहाँ जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हुए हैं, पहला है मिल्क, रॉ मिल्क. रॉ मिल्क हमें इसलिए यूज करना होता है क्योंकि इसमें जितनी भी प्योरिटीज वगैरह होती हैं वो रहती हैं. अगर आप उसको गर्म कर देंगे मिल्क को, तो उसमें से बहुत सारी जो उसकी जो खासियत होती है वो किल हो जाती है गर्म करने पर. तो हमें रॉ मिल्क यूज करना है. एंड रॉ मिल्क इज गुड फॉर स्किन क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो कि आपका जगह फेस पिगमेंटेड है, आपको डार्क स्पॉट्स हैं, आपके डेड सेल्स जो होती हैं, ब्लैकहेड्स हो गए, जो क्लॉक्स हो जाते हैं स्किन पे, उन सबको रिमूव करने में हेल्प करता है. तो यस, मिल्क मैंने यहाँ यूज किया. यस बेटा, तो यस मिल्क है जो हम बारी बारी चीजों में यूज करेंगे. आप इसको क्लींजिंग में यूज कर सकते हो, पैक बनाने में यूज करते हो, हर तरीके से यूज. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मसूर दाल, जिसको रेड लेंटिल भी बोलते हैं.
हंसेंगे सब सुन के, खाते तो हम इसको हैं, बहुत बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। बट यस, अगर आप इसको अपने फेस पर लगाते हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पहली बात, कोई हार्म नहीं होगा इससे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन होते हैं, इसमें पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन को ब्राइट करती हैं, ठीक है, ब्राइट करती, साथ में फ्लॉलेस भी बनाती हैं। ऐसा नहीं, एक चीज़ होती है जो आपको ब्राइट करती है बट फेस पर डलनेस रह जाती है, बट आपका कलर क्लियर कर देती है। बट मसूर दाल के साथ वो चीज़ नहीं है, आपकी जो रंग है उसको भी थोड़ा सा क्लियर करती है। काला और गोरा इज नॉट अ क्लियर कलर। अगर मैं, जैसे कि मैं भी सांवली हूँ, डार्क स्किन भी होती है, बट एक डार्क स्किन भी क्लियर होती है, सांवली स्किन भी क्लियर होती है एंड वाइट स्किन भी क्लियर होती है। तो जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं सांवली हूँ, मैं लगाऊंगी तो मैं गोरी हो जाऊंगी, नहीं, मेरी स्किन क्लियर हो जाएगी। क्लियर होना एंड बिल्कुल यू नो डिफरेंट ही अवतार में आ जाना इज द डिफरेंट थिंग। तो नहीं, क्लियर करती है स्किन को, बहुत फ्लॉलेस बनाती है, सॉरी, एंड ग्लोई बनाती है। तो मसूर दाल, उसके साथ मैं राइस फ्लावर में यूज कर रही हूँ थर्ड इंग्रेडिएंट। राइस फ्लावर में जो एजेंट होते हैं वो होते हैं आपकी स्किन को ब्राइट एंड क्लियर करते हैं। आप चाहें तो राइस फ्लावर या मसूर दाल में से एक ले सकते हैं, दोनों को साथ में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके अलावा फिर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ हल्दी। हल्दी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इन्फ्लामेटरी सिस्टम होता है, तो आपकी स्किन में कोई भी बैक्टीरिया प्रॉब्लम है, कुछ है, तो उसको रिमूव करता है, डेड स्किन जो होती है उसको हटाता है, साथ ही साथ स्किन को क्लियर करता है। हल्दी जैसे कि सदियों से चला आ रहा है, हल्दी आप चेहरे पर लगाएंगे तो आपका जो रंग है वो निखर करके आएगा, तो वो हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा मैं बनाना एंड कीवी यूज़ कर रही हूँ एज अ फ्रूट फेशियल। तो दोनों ही चीज़ों में बहुत मात्रा में विटामिन होते हैं, के एंड सी पाया जाता है कीवी में, तो स्किन को यू नो बहुत ही ज़्यादा ग्लोई बनाता है। अगर आपका ऑयली स्किन है तो यू नो एक न्यूट्रल करके रखता है आपके फेस को, ड्राई है तो यू नो आपको जिस तरीके की स्किन प्रॉपरली होनी चाहिए, उन सब चीज़ों में दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, तो वो यहाँ मैंने यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा कोकोआ पाउडर, कोको पाउडर जो होता है वो जिस इसका मैं मास्क यूज़ करूँगी, कोको पाउडर हेल्प करता है आपकी स्किन को टाइट बनाने में। अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो स्किन को टाइटन करेगा, ब्राइट करता है, जब आप स्किन ट्राइट हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो यस, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। उसके अलावा मैंने दो चीज़ यूज़ की हैं, ग्लिसरीन एंड गुलाब जल। गुलाब जल फेस को रिफ्रेश करता है, अगर आपको इचिंग प्रॉब्लम है तो उससे आपको हेल्प मिलेगा उस चीज़ में। एंड जो ग्लिसरीन है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप यूज़ करेंगे तो स्किन में थोड़ा सा यू नो टेक्स्चर जो होगा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो मैं नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ बना करके हम पहले रख लेंगे, फिर हम हमारा फेशियल स्टार्ट करेंगे। एंड फेशियल में जस्ट नॉर्मल मसाज करना है हर चीज़ में, तो वो आपको अपने हिसाब से करना है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से। तो ये वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मुझे है कि मैं आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर बताऊं, जिससे कि आपको समझ में आए किससे क्या है, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से बताया। और आप इस वीडियो को देखें कि मैंने किस तरीके से चीज़ों को यूज़ किया है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पर ये सारा सामान है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम स्क्रब बनाएंगे, तो मैंने मसूर दाल एंड राइस फ्लावर यूज़ किया हुआ है। दोनों ही चीज़ों का इक्वल अमाउंट लेना है, तो मैं 1 टेबल स्पून ईच ले रही हूँ राइस फ्लावर एंड मसूर दाल। एंड हम इसका मिक्सचर रेडी करेंगे स्क्रब के लिए, तो मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है, और हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल्क मिलाना है, स्टार्टिंग में पतला रखना है, और इसको 5 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है, जिससे कि जो मसूर दाल है फूल जाएगी, उसे ये आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होगी। उसके बाद मैं मसाज के लिए रेडी कर रही हूँ बनाना कीवी एंड टर्मरिक का मिक्सचर, और ये बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को काम करेगा। और हल्दी यहाँ पर जो है वो मैं फ्रेश घर की पिसी हुई ले रही हूँ, अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो वो भी ले सकते हैं, और अगर जो कस्तूरी हल्दी जो आती है वो भी ले सकते हैं। फिर ये कोकोआ पाउडर है 1 टीस्पून ओनली, और मैं इसमें कुछ 1 टेबल स्पून के करीब मिल्क ऐड करूँगी, एंड इसका एक लिक्विड रेडी कर लेंगे जिसकी हमें फेस पैक के टाइम पर ज़रूरत पड़ेगी, और हमें बहुत ही पतली लेयर बनानी है, तो दिस मच विल बी सफिशेंट।
तो ये हमारा फेस पैक रेडी हो गया है. अब हमें क्लेंजिंग के लिए बनाना है, मिल्क रेडी करना है. तो मैं 1 or 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क ले रही हूँ. उसमें 1 teaspoon ऑफ ग्लिसरीन एंड कुछ ड्रॉप्स डालूंगी गुलाब जल की, जिसे रोज वाटर कहते हैं. दोनों ही चीज़ डालने से अगर आपके चेहरे पर कोई लाइक इचिंग वगैरह कुछ होती है तो वो चीज़ नहीं होगी. तो ये सामान हमारा रेडी है. अब हम जाते हैं फेशियल की तरफ और ये है बिना फेशियल के मेरा फेस. तो फेशियल सबसे फर्स्ट स्टेप इज कि आपका जो फेस है वो क्लीन होना चाहिए. तो मैंने जस्ट ऑल में वॉश किया है एंड हियर आई एम यूजिंग दिस टिश्यू पेपर. अगर आपके पास टॉवल जो है वो क्लीन नहीं है तो बेस्ट है कि आप टिश्यू पेपर्स यूज़ करें और फिर को हमें साफ करना है. और साफ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं होता है फेस को, जस्ट नॉर्मल डैप करना है, दैट्स इट. और अभी इस फेस पर नो मेकअप कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मल लाइक दिस इस तरीके से हो रखा है. अब हम इस फेस को क्लींस करेंगे, क्लींसिंग करेंगे. तो क्लींसिंग के लिए जो मैंने ये मिल्क रेडी किया है एंड आई एम यूजिंग हियर दिस कॉटन बॉल. और हम जो पूरा फेस है इसको अच्छे तरीके से क्लींस कर लेंगे. कपड़े वो पहने जो गंदे अगर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो. तो हम फेस को 15 से 25 सेकंड के लिए, लाइक 20 से 30 सेकंड आप समझ लें, हमें इसको क्लीन करना है कॉटन बॉल से. एंड कॉटन बॉल जब तक इसका कलर जो है कि साफ़ ही ना आ जाए तब तक हमें इस फेस को साफ करना है, जिससे कि सारा जो इम्प्योरिटीज़ और जो भी गंदगी है आपके फेस पर, क्योंकि कई बार धोने के बाद भी चेहरे पर गंदगी रह जाती है, तो वो इस लोशन को, इस लिक्विड को लगाने से वो पूरी क्लियर हो जाएगी और स्किन आपकी क्लीन दिखने लगेगी. तो हमें इसको क्लीन करना है फेस को अच्छे से. अब हम स्क्रब करेंगे. स्किन हमारी बिल्कुल इस तरीके से हो गई है तो स्क्रब के लिए जो मैंने जो बना करके रखा था मसूर दाल का जो मैंने यूज़ करना है, उसको फुला देंगे तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, आपकी स्किन पर हार्श नहीं लगेगी आपको. उस तरीके से मैंने ले लिया है, उसको लगा लेंगे और 1 to 1.5 minutes तक हम उसे मसाज करेंगे. हमें बहुत ज़्यादा हार्ड हैंड यूज़ नहीं करने हैं, सॉफ्ट हैंड्स रखने हैं, अदरवाइज़ जो हमारी स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी. और हमें नेक के साइड भी क्लीन करना होता है क्योंकि वहाँ पर हमारे गंदगी जमा हो जाती है, टैन होती है, उसकी लेयर बन जाती है. तो उंगली की सहायता से हमें इसको क्लीन करना है. एंड अगर आप ज़्यादा ही हार्श यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा उसमें जो पोर्स हैं बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगे. तो एंड लिप्स को स्क्रब करना ना भूलें, 1 to 1.5 minutes तक हम इसको स्क्रब करेंगे. वॉश कर लेंगे एंड टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेंगे. तो ये आफ्टर क्लीनिंग इट. और आप देख सकते हो स्किन इस तरीके की दिख रही है, थोड़ी क्लीन हो गई है स्क्रब करने से ही. अब हम इस पर मसाज करेंगे. तो मसाज के लिए जो मैंने ये बना करके रखा हुआ है जेल यूज, तो इसको भी इसी तरीके से हाथ पर लगा लेंगे, फेस पर लगा लेंगे पूरा. और हमें इसको 5 to 7 minutes के लिए मसाज करना है सर्कुलर मोशन में, या आपको आपकी स्किन पर जो भी टेक्निक सूट करती हो आप उस तरीके से कर सकते हैं. और मैं पहले अप्लाई कर रही हूँ कुछ पाउडर लेकर के. पूरी मसाज जब आप कर रहे हो फेशियल पर मसाज करें या फिर स्क्रब जब भी करें, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता है फेशियल के लिए जो ट्रिक्स और जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, तो जब बेस्ट तरीका होता है वो होता है सर्कुलर मोशन. आप सर्कुलर मोशन में करें. सर्कुलर मोशन में करने पे आपके और पूरे फेस पर मसाज करते टाइम में ट्राई करें कि आप हैंड्स का प्रेशर उस पर दें, जिससे कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे तरीके से हो फेस पर. और बस राउंड करके आप पूरा मसाज कर लें. एंड जो बनाया है, जो क्रीम बनाई है हमने, इसको 3 to 4 minutes के लिए फेस पर एज इट इज छोड़ दें. उसके बाद इसको वाइप करें टिश्यू पेपर से. उससे ये होगा कि इसमें जो हमने हल्दी डाला है वो थोड़ा स्किन में ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्ट देगी.
फेस को हमने धोना नहीं है, मेक श्योर उसको हम इसे वाइप करना है। उसके बाद हम इस पर जो फेस पैक हमने बनाया है वो हम अप्लाई कर देंगे, और बहुत ही थिन लेयर हमको लगानी है, बहुत मोटी कोटिंग नहीं करना है। और ठंड का टाइम है तो ये 3 से 4 मिनट में ये फेस पैक सूख जाता है, तो जो पूरा नॉर्मल जो प्रोसेस है फेशियल का ये 10 से 12 मिनट का है, उससे ज़्यादा का नहीं है। इसको हम ड्राई होने देंगे 3 से 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। उसके बाद हमें इसको डायरेक्ट नहीं धोना है, हाथों को गीला करके पहले हल्का सा जेंटली मसाज करना है फेस पर, उसके बाद हम इसको नॉर्मल वाटर से हम इसको वॉश कर लेंगे स्क्रब को। आप इंस्टेंटली देखेंगे कि वो पाउडर जब हम लगाते हैं तो चेहरे पर ना एक अलग ही कलर की शाइन आना स्टार्ट हो जाती है और आपका फेस ग्लोई दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फेशियल डन है, आप इसको आराम से एक दो वीक में एक बार ही कर सकते हैं और इससे कोई हार्म नहीं है। तो ये होम मेड फेशियल होकर के रेडी है एंड मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्लो कर रही है, ब्रीथ कर रही है। आप लोग भी इस फेशियल को ट्राई करें, आई होप आपको अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ अपने जो फीडबैक है वो ज़रूर ज़रूर शेयर करें, आई वुड लव टू रीड देम एंड टू रिप्लाई। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट do let me know in the comment section. Thank you so much. Thanks a lot for watching. Thank you.